तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद से किसी भी कंपनी का रिव्यूज नहीं करता हूं। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि सर इस फलाने ढिमकाने कंपनी या फिर इस बिजनेस प्लान के ऊपर एक डिटेल रिव्यू बनाओ, तब जाके हम उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों जब हम किसी कंपनी का पेड प्रमोशन भी करते हैं तो वो भी आपको बता के करते हैं कि भैया ये जो है ये एक पेड प्रमोशन है, और पेड प्रमोशन भी हम उसी कंपनी का करते हैं जो कि रियल होता है। तो दोस्तों काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि फोर्सेज के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ये बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो वाकई में क्या ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए और इस पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं, वो थोड़ा सा हमको बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फोर्सेज का ऑपरेशन करते हैं। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों और एक चीज आपको बताना है कि आज फोर्सेज का जो बिजनेस प्लान है बेसिकली उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज के वीडियो में क्या आपको जानने या सीखने को मिल सकता है? तो दोस्तों आज सबसे पहले जानेंगे कि फोर्सेज जो ये बता रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो क्या ये सही में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है या नहीं। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम जब बनाया है फोर्सेज का, तब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी क्या ऑल्टर या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है? उसके बाद जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कभी भी हैक हो सकता है, हैक होने का चांसेस कितना ज्यादा होता है। और वीडियो के एंड में बात करेंगे दोस्तों कि फोर्सेज रियली एक स्कैम है या फिर फोर्सेज में इन्वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल सही और सेफ रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो और वीडियो को पूरा देखो तो आपको काफी कुछ वीडियो से सीखने को मिल सकता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फोर्सेज जो कि शुरू हुआ था 2020 के फरवरी के महीने में, और इनका वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है forsage.io। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि फोर्सेज क्या सही में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है दोस्तों कि हाँ, फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसका अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। दोस्तों जब मार्केट में फोर्सेज इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तब इनका एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, वो था इथेरियम के ऊपर। ये इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा था। आज के डेट में दोस्तों फोर्सेज का और दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा, एक तो है बिनेंस का और एक है ट्रॉन का। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप forsage.io का जो वेबसाइट है वहां पे जा सकते हो, वहां पे इन तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपको मिल जाएगा। वो एड्रेस कॉपी करके इथेरियम, बिनेंस या फिर ट्रॉन के रिस्पेक्टिव वेबसाइट में जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने तो कर लिया है, मैंने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब दोस्तों जब भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात होता है तो वहां पे निकल कर आता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है कि फोर्सेज का जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वो एक बार इंट्रोड्यूस्ड हो गया, उसके बाद ना ही इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ना ही इसको ऑल्टर किया जा सकता है और ना ही इसको डिलीट किया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? तो दोस्तों मैं यहां पे आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बेसिकली कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। अब लाइंस ऑफ कोड्स में अगर आप कुछ छेड़खानी करते हो तो वो लाइंस ऑफ कोड्स उस हिसाब से काम करने लगता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या निकलता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मॉडिफाई भी हो सकता है और उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है दोस्तों कि आप अगर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट कर देते हो, उसके बाद आसानी से इजीली आप उनके वेबसाइट में गए, लाइंस ऑफ कोड्स में चेंजेस किए और वो मॉडिफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको मॉडिफाई करने के लिए पूरा लाइंस ऑफ कोड्स को ही चेंज करना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस होता है वो सेम टू सेम रहता है, और उसी एड्रेस पे अगर आप ऐसे कुछ लाइंस ऑफ कोड्स को डाल देते हो तो वो सिस्टम जो है उस हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन जितने आसानी से मैं आपको बता रहा हूं उतना आसान भी ये चीज नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली आप समझ सकते हो कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई फ्लोट कर देता है उसके बाद उसमें चेंजेस लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी हैक हो सकता है, मतलब यहाँ पे फोर्सेज की बात हो रहा है, तो फोर्सेज का जो सिस्टम है वो क्या कभी भी हैक हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इसका
हैक होने का भी चांसेस है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज होता है जिसको कहा जाता है एडमिन की। अब ये एडमिन की बेसिकली उन्हीं के पास होता है जिन्होंने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया है। तो एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो जाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको डिलीट करना, उसमें उसको मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ करने के लिए आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत होता है। अब ये एडमिन की अगर गलती से भी किसी हैकर के हाथ लग जाता है तो वो हैकर जो है उस एडमिन की के थ्रू उस सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये फोर्सेज का जो सिस्टम है ये क्या कभी भी डिलीट हो सकता है, मतलब कंपनी अगर चाहे तो इसको बंद कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से वही बात बताना चाहूंगा कि जिनके पास इसका एडमिन की होगा वो चाहे तो इसको बंद भी कर सकता है। वो डायरेक्टली इसको बंद तो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर मॉडिफाई किया जाता है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डेड हो सकता है। उसके बाद वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, फोर्सेज का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और फोर्सेज बंद हो जाएगा। अब आखिर का जो सवाल है वही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इतने देर से, वो है क्या फोर्सेज एक स्कैम है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा या फिर गलत होगा। तो दोस्तों इतने देर से जो भी चीजें मैं आपको समझाया वो उतना आसान भी नहीं होता है। जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करना शुरू कर देता है उसके बाद उसमें मॉडिफाई करना, उसको ऑल्टर करना या फिर उसको डेट कर देना उतना आसान नहीं होता है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उतने आसानी से हैक भी नहीं हो सकता है। तो फोर्सेज बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि पूरा सिस्टम जो है कोई पर्टिकुलर एक ऑथोरिटी या फिर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, कोई विथड्रॉल लगाता है, तो सारा कुछ आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांजैक्शंस वाला सेक्शन है वहां पे दिख जाएगा। तो बेसिकली ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं इतने देर से जो आपको समझा रहा था कि चांसेस कितना है, मतलब अगर इसका एडमिन चाहे तो क्या इसमें ऑल्टर वगैरह कर सकता है, इसको बंद कर सकता है, तो दोस्तों उसका जवाब है हाँ कर सकता है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर फोर्सेज की बात करें तो दोस्तों क्या यहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों देखो रिस्क तो सब जगह पे है, लेकिन ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है ये सिस्टम काफी अच्छे तरीके से काफी एफिशिएंटली पिछले 1-1.5 सालों से काम कर रहा है, और ऊपर से ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है और इनका वैलिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपके पास है। तो दोस्तों बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप फोर्सेज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बेशक इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सिस्टम काफी अच्छा है और काफी अच्छे तरीके से ये सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। और अगर बात करें कि फोर्सेज क्या एक स्कैम है, तो दोस्तों फोर्सेज तो अभी तक ऐसा कोई फोर्सेज का एक्टिविटी दिखाई नहीं दिया जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि ये एक स्कैम है, लेकिन फोर्सेज के सिस्टम से जुड़ा हुआ सारा जानकारी मैंने आपको सही ढंग से दे दिया है। उम्मीद है उसको आप सही ढंग से समझ पाए होंगे। और भी कुछ सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट जरूर से कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमको डीएम के जरिए आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे नया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा के उसके बगल में घंटी को भी जोर से दबा दीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही बनाकर अपना साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।